हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फनटेक हेल्पर यूट्यूब चैनल में। जी दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जी दोस्तों, हम मोबाइल तो बड़ा बड़ा और महंगा महंगा ले लेते हैं, सबसे बड़ा समस्या हमारा एक ही रहता है, टावर प्रॉब्लम का। अगर किसी के पास दो सिम है और एक सिम जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें कॉल रिसीव करना बहुत ज़रूरी है, बट क्या है उसमें टावर नहीं आता है। बट आपको मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ, आप टावर प्रॉब्लम जो है वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप कॉल डाइवर्ट कैसे कर सकते हैं, कॉल फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं। आपका दूसरा सिम है उसमें टावर बहुत अच्छा आता, मान लीजिए आपका सिम है जियो का, उसमें टावर नहीं आता है, और एयरटेल में आपका टावर बहुत अच्छा आता है, तो आप क्या करो, जियो का सिम को जो है एयरटेल में डाइवर्ट और फॉरवर्ड कर सकते हैं। वो कैसे करना है मैं आपको इसी वीडियो में मैं बताने वाला। मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल में नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। चलिए मैं चलता हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन में और आपका मैं मोबाइल में सेटिंग कराता हूं, टावर प्रॉब्लम खत्म कराता हूं। तो चलिए मैं चलता हूं मोबाइल के स्क्रीन में। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन में। तो दोस्तों, अगर आपके भी सिम में प्रॉब्लम है, नेटवर्क इशू है और उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सही वीडियो में आए हैं, और मैं आपको अब मैं बताऊंगा कि कॉल फॉरवर्डिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आप दो सिम चलाते हैं और आपका एक सिम में टावर नहीं आता है, दूसरे में आपको कॉल लेना है किसी का, रिसीव करना है, क्योंकि दूसरा सिम में जो है अच्छा टावर आता है। तो चलिए मैं वीडियो जो है शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है डायलर पैड में। डायलर पैड में जाने के बाद आपको सबसे ऊपर राइट हैंड साइड में आपको दो डॉट मिल जाएगा, आप उसे क्लिक करेंगे तो आपको सेटिंग और ब्लॉक का ऑप्शन मिलेगा। देखा जाए तो सेम प्रोसेस जो है हर एक एंड्रॉयड फोन में होता है, आपको सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद एंड्रॉयड मोबाइल में तीसरा और चौथा ऑप्शन में जो है कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। बट हमारे मोबाइल में क्या है, सबसे स्क्रोल डाउन करेंगे, अगर आपका रियलमी का फोन है तो आप कोई जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ इस तरीके से आपको कॉल फॉरवर्डिंग होगा। मेरा जो है सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद करियर कॉल सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। इसे क्लिक करने के बाद यहाँ काफ़ी सारा ऑप्शन हमें दिख जाएगा, हमें क्या है कॉल फॉरवर्ड करना है, तो हमें जो है तीसरे वाले ऑप्शन को चूज करना है। मैं चूज कर देता हूँ कॉल फॉरवर्डिंग ऑप्शन को। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है एक सिम है, यहाँ जो है मेरा नंबर शो कर रहा है, मैं कौन से सिम से मैं कॉल वर्डिंग चाहता हूं, तो मेरे पास एक सिम लगा हुआ है तो मैं इसे क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद आप कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहते हैं, वॉइस कॉल्स और वीडियो कॉल्स। मोस्टली वॉइस कॉल ही लोग जो है डाइवर्ट करेंगे, वीडियो कॉल कौन करता है। वॉइस कॉल में क्लिक कर देते हैं। दोस्तों, वॉइस कॉल में क्लिक करने के बाद आपको जो है इंटरफेस जो है इसका इस तरीके से दिख जाएगा, ऑलवेज फॉरवर्ड व्हेन बिजी, व्हेन अनआंसर्ड, व्हेन अनरीचेबल। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं ये चार ऑप्शन जो है यहाँ शो कर रहा है। अगर आप सबसे पहले वाले ऑलवेज फॉरवर्ड को ऑप्शन को चूज करेंगे तो अगर आपका पहले वाला सिम में टावर रहे या ना रहे, आपका जो है ऑलवेज फॉरवर्ड जो है जो भी नंबर आप वहाँ डालेंगे ऑलवेज फॉरवर्ड में, वो नंबर जो है हमेशा जो है फॉरवर्ड होता रहेगा। अगर आपका सेकंड वाला ऑप्शन चूज करते हैं, मान लीजिए आपके पास किसी का कॉल आ रहा है, आप जो है कॉल में बात कर रहे हैं और आप बिजी हैं, तो वो क्या करेगा, आपका जो है दूसरा नंबर जो आप डालेंगे वहाँ जो है बिजी के टाइम पे जो है कॉल जो है ट्रांसफर हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। व्हेन अनआंसर, अगर आप तीसरा वाला ऑप्शन को चूज करते हैं, अगर आपको कोई कॉल करता है और अगर आप कॉल रिसीव नहीं करते हैं, तो वो जो है कॉल जो है अपने आप ऑटोमेटिकली जो है जो कॉल फॉरवर्डिंग जो ऑप्शन आप डालेंगे वहां जो है अपने आप चले जाएगा। और चौथा ऑप्शन जो है व्हेन अनरीचेबल, अगर आप बेसमेंट में है और अगर आपका टावर नहीं आ रहा है तो आपका उस सिचुएशन में क्या होगा, आप जो भी नंबर डालेंगे वहां जो है दूसरा नंबर में जो है फॉरवर्ड हो जाएगा। मोस्टली लोग जो है ज्यादातर चौथा वाला ऑप्शन को चूज करते हैं, क्योंकि अगर टावर नहीं आता है तभी हमें जो है कॉल फॉरवर्ड करना है, तो हम जो है चौथे वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। चूज करने के बाद आपको वो नंबर यहाँ डालना है जिस नंबर में आपको कॉल फॉरवर्ड करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं अपना यहाँ नंबर जो है डाल देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने अपना नंबर जो है यहाँ डाल दिया है, मैं चाहता हूँ कि इस नंबर में मेरा जो है कॉल फॉरवर्डिंग हो। मेरा पहला सिम है जियो का, अगर बाय चांस मेरा सिम में टावर नहीं आता है तो मेरा जो है इस वाले सिम में जो है कॉल फॉरवर्डिंग हो जाए। हमारा ऑफिस का कॉल हो या इमरजेंसी कॉल हो, हमें कॉल आए तो हम कॉल जो है रिसीव कर ले। हम क्या करेंगे, हमें जो है यहाँ दो ऑप्शन मिला है कैंसिल ऑन का, तो हम इसे ऑन कर देते। तो जैसे हम ओपन करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो है कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग जो है हो गया है। तो दोस्तों,
ये तो था हमारा कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग। अगर आपको डीएक्टिवेट करना है तो उसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप ये सेटिंग में आएंगे वैसे ही आपको चौथा वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ बीच में जो है ऑफ वाला ऑप्शन देख सकते हैं, आप इसे जो है यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑफ हो जाएगा। और अगर आप दूसरा मेथड से करना चाहते हैं अपना कॉल को फॉरवर्ड, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। आपको डायलर पैड जो है ओपन कर देना है। डायलर पैड ओपन करने के बाद आपको स्टार टाइप करना है, फिर 62 टाइप करना, फिर स्टार टाइप करना है, और आपको वो नंबर टाइप करना है जिस नंबर में आपको कॉल फॉरवर्ड करना है। याद रखिएगा जिस नंबर में जो है आपको कॉल फॉरवर्ड करना है। मैं जो हूँ अपना नंबर जो है यहाँ डाल देता हूँ जिसमें मुझे कॉल फॉरवर्ड चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, हैश दबा देना। हैश टाइप करने के बाद आपको कॉल बटन में क्लिक कर देना। आप यहां देख सकते हैं MMI कोड फॉरवर्ड हो चुका है। कॉल फॉरवर्डिंग रजिस्ट्रेशन वॉज सक्सेसफुली, हमारा जो है कॉल फॉरवर्डिंग जो है हमारा हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप अपना नेटवर्क प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपका में किसी में नेटवर्क इशू प्रॉब्लम आता है तो इस तरीके से जो है आप अपना नेटवर्क इशू और प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी आप जो है मैंने हटा दिया था, कॉल फॉरवर्डिंग जो है ऑफ कर दिया था। मैं देखता हूँ यहाँ से जाने के बाद कि हमारा कॉल फॉरवर्डिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आपको यहाँ से भी आपको देखने को मिल जाएगा कि हमारा कॉल फॉरवर्डिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दोस्तों आप सबसे नीचे देख सकते हैं व्हेन अनरिचेबल जो है, ये जो है हमारा जो है कॉल फॉरवर्डिंग जो हमने कोड डाल के किया था वो भी हमारा अनेबल हो गया है। हम क्या करते हैं, इनसे दोबारा ऑफ कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो है अगर आपका किसी सिम में नेटवर्क नहीं आता और अगर आपको दूसरा सिम में ट्रांसफर और फॉरवर्ड करना है तो आप इस तरीके से आसान मेथड से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरा इन्फॉर्मेटिव लगा है तो मेरे वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर जाएं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये फॉरवर्डिंग वीडियो? अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जवाब ज़रूर दीजिए, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। और ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए फ्यूचर कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है, मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन हो सकते हैं और कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए मैं फिर मिलूंगा बहुत जल्द नए कंटेंट और वीडियोज़ के साथ। चलता हूँ, बाय बाय, सी यू, टाटा, जय हिंद।